इस वक्त स्थिति जो दोनों ही राज्यों की है उसकी सही तस्वीर परिणाम के दिन ही पता चलेगी। चुनाव सह चुनाव प्रभारी इतना ज्यादा एक्टिव है झारखंड के चुनाव में कि प्रदेश के नेता पीछे चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया इस बार कि उन्हें किस आधार पर चुनाव लड़ना है। 2019 का जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के अपने आंतरिक विद्रोह की परिणति थी। अब जो है जनता का मन क्षेत्रीय दलों से कहीं ना कहीं हट चुका है। इस वक्त जितनी तैयारी बीजेपी ने की है और जिस तरह उसने वहाँ पर साधन संसाधन प्रचार मुद्दा सब किया है उसका मतलब उससे उसका अपर हैंड वहाँ दिख रहा है। झारखंड में एक तो एंटी इनकम्बेंसी मुझे पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है, दूसरा ये जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं ना हेमंत सोरेन पर, डाउन द लाइन वो कहीं ना कहीं जाते हैं। केवल संविधान का राग अलाप कर शायद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं।